बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। गवर्नमेंट का मलेशिया के साथ इन दो फूड आइटम्स पर स्ट्रॉन्ग टॉक और बड़ी कामयाबी और बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन, एक्सपोर्ट में इजाफा भी हो सकता है। बेनिफिशरी दो स्टॉक इनके बारे में बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहे हैं, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि पिछले वीक में काफ़ी खबरें सरगर्म रही। जो मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं उनके साथ काफ़ी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो रहे हैं और एक्सपोर्ट के लिहाज से, यानी कि उनके साथ जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बहुत सी चीज़ें उन पर भी बात हुई है और एक नया रास्ता पाकिस्तान को मिला एक्सपोर्ट के लिए भी, अपने बिजनेस को भी बढ़ाने के लिए और वहाँ से कुछ इम्पोर्ट करने के लिए भी। तो इनमें दो सेक्टर, दो आइटम फूड की आइटम्स ऐसी हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा वो जो है स्ट्रॉन्ग जोर दिया गया। उसमें एक तो मीट पाकिस्तान मलेशिया में एक्सपोर्ट करेगा, फ्रेश मीट, और दूसरे नंबर पर राइस, क्योंकि पाकिस्तान के राइस पूरी दुनिया में जो है उसका काफ़ी जो है मियार है और ये दोनों करेंगी। तो इस हवाले से जो स्टॉक हैं, जो बेनिफिशरी हो सकते हैं इनमें, जो मीट की सबसे बड़ी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की कंपनी है वो है टॉमसेल, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। दूसरे नंबर पे जो मेटको फूड है, ये भी चावल राइस जो है एक्सपोर्ट करते हैं, ये आउटस्टैंडिंग और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। तो ये दोनों कंपनियाँ जो है आगे बेहतर हो सकती हैं, मेटको फूड और टॉमसेल। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।